राम मंदिर के मुद्दे पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जोरदार वार किया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के अजमेर में एक चुनावी सभा में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने न केवल अयोध्या में राम मंदिर बनने का विरोध किया बल्कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले अपने पार्टी के नेताओं को भी सजा दी। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने वाले नेता को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। चलो भाई, राम मंदिर बन गया लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना, ये शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं, हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। तो वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। सुनिए क्या कुछ कहा। हमने वो दिन देखे हैं जब हम कहते थे आंदोलन के वक्त मंदिर वही बनाएंगे और कांग्रेस वाले मजाक करते थे तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बताई, मंदिर बना और राम भक्त की आप और राम की महिमा देखो कि जिन लोगों ने एफिडेविट देकर राम के अस्तित्व को नकार दिया, राम लला ने अपने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उनको भी बुलवाया। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले राम के नाम पर सियासत तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आचरण रहा है पिछले 10 सालों में और इस बार भी, तो वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर के लिए खड़े थे और राम मंदिर के विरोध में खड़े थे? वे कौन से लोग हैं जिनको राम मंदिर बन जाने का आनंद हुआ और जिन्होंने बहिष्कार किया? भगवान श्री राम के नाम पर जो भी झूठ बोलेगा, छल करेगा, कपट करेगा और वोटों की राजनीति करेगा, वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा, भले ही वो प्रधानमंत्री जी हो। प्रधानमंत्री जी, राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट ने कराया और हम सब लोगों ने उनका समर्थन दिया। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अधूरे मंदिर का आपने राजनीतिक कारणों से किया, हम उसके पहले भी गए और हम उसके बाद भी जाएंगे। हमारी पूरी कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 16 तारीख को राम मंदिर गई थी। इस तरीके की भाषा का उपयोग करके आप सिर्फ अपना डर दिखा रहे हैं, आप वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। पीएम के चुनावी अभियान की शुरुआत होगी बिहार के नवादा से। इसके बाद दोपहर में पीएम पड़ोस में मौजूद बंगाल की जलपाईगुड़ी से विपक्ष पर हमला बोलेंगे और फिर शाम को पीएम मध्य प्रदेश के जबलपुर में रोड शो करने उतरेंगे। नवादा, जलपाईगुड़ी और जबलपुर, इन तीनों ही सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। धुआंधार प्रचार उनकी तरफ से किया जा रहा है। कल भी 3 रैलियां पीएम की तरफ से की गई थी और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल से लेकर बिहार तक रैलियां करते हुए नजर आएंगे। देखिए, 3 राज्यों में एक के बाद एक पीएम के मेगा शो हैं। सुबह करीबन 11 बजे वो बिहार के, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद, बिहार के नवादा में बीजेपी को जिताने के लिए हुंकार भरेंगे और ये दूसरी बार है जब पीएम नवादा में जनसभा करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2014 में भी नवादा में रैली की थी और लोगों ने तब के बीजेपी उम्मीदवार यानी कि गिरिराज सिंह को बढ़ चढ़कर वोट किया था। नवादा के बाद दोपहर में नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रैली करने पहुंचेंगे। बंगाल में पहले ही सियासत काफी गर्म है, बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर बेहद आक्रामक है। ऐसे में जलपाईगुड़ी की जमीन से पीएम ममता बनर्जी को जमकर घेरने वाले हैं।
और दो राज्यों में बैक टू बैक रैलियों के बाद शाम को पीएम मध्य प्रदेश में होंगे। वो वहां पर जबलपुर में करीबन एक घंटे का रोड शो करके मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। पीएम के रोड शो के जरिए बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। नवादा में आज पीएम मोदी की रैली होगी। लोकसभा चुनाव में मंच पर पहली बार एक साथ चाचा भतीजा साथ नजर आएंगे, तो पशुपति पारस और चिराग पासवान एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पशुपति पारस को सीट बंटवारे में मनपसंद सीट नहीं मिली थी। नाराजगी के बाद मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आखिरकार आज बहुत टाइम बाद जो है एक साथ चाचा और भतीजे एक ही मंच पर जो है नजर आएंगे, और ये हो पाएगा पीएम मोदी की रैली में। आप ये समझिए, पीएम मोदी जो है नवादा में आज रैली करने जा रहे हैं और नवादा की रैली में एक ही मंच पर बीच में पीएम मोदी, एक तरफ चाचा यानी कि पशुपति पारस और दूसरी तरफ भतीजे यानी कि चिराग पासवान जो है नजर आएंगे। अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आप ये समझिए, कुछ दिन पहले तक जो है इतने नाराज थे चाचा कि भतीजे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। और सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, नवादा की उसी रैली में जहां पर मेरे सहयोगी चंद्रमोहन मौजूद है। चंद्रमोहन, रैली के बारे में भी बताइएगा, लेकिन इस बारे में भी बताइएगा कि आखिर सियासत किस तस्वीर को आप किस चश्मे से देखते हैं जब चाचा भतीजा जो है वो पीएम के साथ नजर आएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले आपको नवादा की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये कुंती नगर मैदान है जहां पर लोग, बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं और इस इलाके के लोग हैं, नवादा के रहने वाले लोग हैं, खास तौर पर जो सटा हुआ इलाका झारखंड है, गया है, जमुई है और नालंदा है, वहाँ के लोग पहुँचे हुए हैं। और आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर लोग अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुँचे हैं, अब की बार 400 पार, जनता है तैयार फिर से मोदी सरकार। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात रही जहाँ तक चाचा और भतीजे की, तो पशुपति पारस आज से कुछ दिन पहले जब उनको एनडीए में सीट नहीं मिला तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की, बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात की, और आज काफी दिनों बाद एक बार फिर से चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस इस मंच पर नजर आएंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है उस 400 के आगे पहुंचने के लिए ये तैयारियां हैं, और बिहार में 40 तक पहुंचने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है जिसमें 39 अभी एनडीए के पास है, एक सीट सिर्फ कांग्रेस के पास है, और साफ तौर पर एनडीए के नेताओं का मानना है बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और साथ में चिराग पासवान की पार्टी का यह मानना है कि एक बार भूल हो गई थी, एक सीट छूट गई, ऐसे में 40 सीट पहुंचाने की कोशिश होगी। और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या तैयारी है? देखिए, अभी तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, और बिहार 400 पार का जो नारा है उसका कहीं ना कहीं से श्री गणेश बिहार से 40 की 40 सीटें जीत कर हो गया, और पूरा नवादा की जनता कितनी उत्साहित है। अभी तो अभी जनता आना शुरू हुई, एक झलक पाने के लिए, मोदी जी के एक झलक जाने पाने के लिए लोग बेताब हैं, लोग बेचैन हैं। तो लोग बेताब और बेचैन हैं एक झलक पाने के लिए, और यही वजह है कि भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। एक तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे, हालांकि अभी वक्त है जब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। एक बार लोगों से जरा जरूर पूछिए, लोग क्या समझते हैं कि क्या चाचा भतीजे के बीच में जो नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है? लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि कह तो लोग रहे हैं कि हाँ भाई खत्म हो चुके हैं नाराजगी, क्या सच में जमीनी स्तर पर खत्म हुई है? बिल्कुल, सीधे हम यहाँ जो पहुंचे हुए लोग हैं हम उन्हीं से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता चाहती क्या है। ये बताइए, क्या तैयारी है इस बार की? देखिए, इसके प्रधानमंत्री आज बिहार में चुनावी दौरा में दूसरी बार आ रहे हैं और नवादा की धरती पर आ रहे हैं, और जो नवादा के लोगों में उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है, चाहे वो महिलाओं में हो, आप देख रहे हैं कि महिलाएं
नारी बंधन अधिनियम जो प्रधानमंत्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में लाने का काम किया है, उस बार से जो महिलाओं में जो उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा के कार्य देश में जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्य किए जा रहे हैं। इस मंच से चाचा भतीजा एक साथ नजर आएंगे, पशुपति पारस और चिराग पासवान, काफी दिनों से दोनों में दूरियां थी। देखिए दोनों में पारिवारिक रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ता को कोई अलग नहीं कर सकता है, और चाचा और भतीजा चिराग पासवान जी और पशुपति पारस जी दोनों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर अटूट विश्वास है, श्रद्धा है और उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त। जो इन महिलाओं की बात कर रहे थे, एक बार हम आपको तस्वीर दिखाने की यहाँ की कोशिश करेंगे जहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर मंच के सीधे सामने का है और धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और एक भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। जो अब से थोड़ी देर पहले कार्यकर्ता जिन महिलाओं की बात कर रहे थे, वही ये महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे। क्या इंतजार है? मोदी जी का इंतजार है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार हो रहा है और किसी के हाथ में ये बैनर है, किसी के हाथ में ये पोस्टर है। एक तस्वीर देखिए, ये लिखा हुआ है, चार फोटो लगा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और साथ में लिखा भी हुआ। कहाँ से आई हैं? हम नवादा की डॉक्टर है, डॉक्टर मधु सिन्हा मेरा नाम है और मैं काफी उत्साहित हूँ नरेंद्र मोदी को मिलकर कि हम लोग उनके साथ है, उनके परिवार है और इस बार 400 पार हम लोग का प्रतिज्ञा है, इस बार 400 पार और हम लोग उनको अभी और 15 साल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन, यूपी से लेकर बिहार तक जय श्री राम और अब की बार 400 पार का नारा सुनाई दे रहा है। मैं लौटूंगी चंद्रमोहन आपके पास, लेकिन बिहार की नवादा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान सीट है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको वॉल ग्राफिक जरिए एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, नवादा में एनडीए जीत की हैट्रिक जो है वो पहले ही जो है लगा चुकी है। बीते 3 चुनावों में वहां पर एनडीए ने आरजेडी को हराया है। पिछले चुनाव में बीजेपी के सहयोगी एलजेपी ने वहां जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने नवादा से अपना उम्मीदवार उतारा है। उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को नवादा से टिकट दिया है। नवादा में यादव और भूमिहार समुदाय का बहुत दबदबा है और यही ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने वहां से भूमिहार समुदाय से आने वाले विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया। हालांकि नवादा बीजेपी के लिए सेफ सीट है, लेकिन फिर भी पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती और यही वजह है कि पीएम खुद वहां प्रचार करने पहुंचने वाले हैं। तो नवादा सीट कितनी महत्वपूर्ण है ये आपने समझ लिया, लेकिन बिहार के नवादा पहुंचने से पहले ही पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया ये आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, बिहार में एक बार फिर बीजेपी एनडीए की भारी लहर देखने को मिल रही है। आज सुबह करीबन 11 बजे नवादा की जनसभा में मतदान को लेकर उत्साहित अपने परिवार जनों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। तो पीएम मोदी की रैली से पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव के परिवार को निशाने पर लिया, क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। लालू जी के परिवार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? लालू जी के परिवार का मतलब ही है गुंडा राज स्थापित करना, भ्रष्टाचार स्थापित करना, लूट खसोट स्थापित करना और कानून को तोड़कर आगे बढ़ना, यही लालू जी का परिचय है। तो वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का साफ तौर पर कहना है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले आईएनडीआईए के नेता बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री जी आज नवादा की सभा में आ रहे, भारी संख्या में भीड़ आ रही है और ये प्रधानमंत्री के दौरे से जो राजद और महागठबंधन के लोग हैं इनकी जड़ें हिल गई। इनको ये लगने लगा है कि प्रधानमंत्री से जो बिहार की जनता इतना प्रेम करती है और प्रधानमंत्री भी प्रेम करते हैं बिहार से, इसलिए वो बार बार आ रहे हैं और महागठबंधन को लगता है कि उन्होंने वीआईपी पार्टी से समझौता क्या कर लिया, वो लड़ाई में आ जाएंगे। अरे पिछली बार भी वीआईपी जीरो पे आउट हुई थी, राजद जीरो पे आउट हुआ था और कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिली थी, इस बार महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने एक के बाद एक राज्य में चुनावी सभाएं और रोड शो कर रखे हैं।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम आज रोड शो करने वाले हैं। इस रोड शो को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। शाम को करीबन 6 बजे 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। महाकौशल की 4 लोकसभा सीटों पर नजर है। पीएम मोदी जबलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी आशीष दुबे के समर्थन में रोड शो करेंगे। तो 1 किलोमीटर लंबा रोड शो पीएम मोदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में करने जा रहे हैं। महाकौशल की 4 लोकसभा सीटों पर नजर जो है वो पीएम मोदी की होगी। और ये हम आपको तस्वीरें दरअसल कल के रोड शो के दिखा रहे हैं। कल भी जो है यूपी में पीएम मोदी रोड शो करते हुए नजर आए थे गाजियाबाद में, जहां पर भारी भीड़ वहां पर पहुंची थी। और आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जहां पर पीएम मोदी की तरफ से एक भव्य रोड शो किया जाएगा। आशीष दुबे के समर्थन में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके लिए रोड शो किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए पीएम ने जबलपुर को काफी सोच समझ कर चुना है। देखिए, पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी जबलपुर गए थे। अब आपको बता दें कि आखिर जबलपुर सीट जो है वो खास क्यों है। जबलपुर लोकसभा सीट 1996 से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। पिछले 28 साल से जबलपुर के लोग लगातार बीजेपी के उम्मीदवार को संसद पहुंचा रहे हैं। इतना दबदबा होने के बावजूद पीएम जबलपुर की जमीन पर उतरने वाले हैं, क्योंकि जबलपुर से बीजेपी की छिंदवाड़ा सीट पर नजर है। छिंदवाड़ा जबलपुर से ज्यादा दूर नहीं है। छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है, जहां से कमलनाथ का परिवार जीतता आया है। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में छिंदवाड़ा इकलौती सीट थी जिस पर कांग्रेस का पंजा पड़ पाया था, और इस बार भी वहां कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मैदान में हैं। और छिंदवाड़ा में जबलपुर के साथ 19 अप्रैल को वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस को साफ करना चाहती है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बीजेपी नेता राकेश सिंह ने दावा किया कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनते तो भगवान राम मंदिर में विराजमान ना हो पाते। राकेश सिंह ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। इस वक्त हमारे साथ हैं संस्कारधानी जबलपुर के 4 मर्तबा सांसद रहे राकेश सिंह जी, जो इस समय मंत्री हैं मध्य प्रदेश की सरकार में। सर, प्रधानमंत्री का रोड शो जबलपुर में हो रहा है, तो आपने जो तैयारी लगातार आप देख रहे हैं, तो आज तैयार है पूरी तरह से? जबलपुर आतुर है अपने परिवार के मुखिया का स्वागत करने के लिए। महिलाएं हो, बच्चे हो, छोटे बड़े सब माननीय मोदी जी को देखना चाहते हैं। कितने लोग आएंगे रैली में आना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जबलपुर में आज दिन तक जितने भी बड़े कार्यक्रम हुए हैं उन सबका रिकॉर्ड टूटेगा, और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जबलपुर में रोड शो के रूप में आज ये होने जा रहा है। तो सर, आपकी मैं देख रहा था कि जब रिकॉर्ड देख रहा था कि 4 बार आप जीते, तो हजारों की जीत से आपकी शुरुआत हुई, लगातार बढ़ती गई, लाखों पे पहुंची, इस बार क्या हो रहा है? मैं पहली बार 1 लाख वोट से जीता था, दूसरी बार 1,09,000 से, तीसरी बार 2,35,000 से, चौथी बार 4,56,000 से। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार जीत का ये अंतर और भी अधिक मतों का होगा। तो मोदी की गारंटी का जादू चल रहा है? देखिए, शायद मुझे लगता है राजनीतिक क्षेत्र में, देश के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी राजनेता की गारंटी पर लोगों को इतना भरोसा है कि लोग ये मानते हैं कि अगर ये गारंटी दी गई है तो यही होने वाला है। 29 सीटें मध्य प्रदेश में, 29 में से 28 सीटें तो हम पिछली बार भी जीते थे, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, और अभी भरोसा है कि 29 में से 29 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अपने बंगाल दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने क्या कुछ लिखा ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, आज दोपहर मैं एक रैली को संबोधित करने के लिए जलपाईगुड़ी के लोगों के बीच रहूंगा। साथ ही उन्होंने आगे भी लिखा कि बंगाल में बीजेपी के पक्ष में जोरदार समर्थन है, पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के भ्रष्टाचार और खराब शासन से थक चुकी है, उनके सपनों को केवल बीजेपी ही पूरा कर सकती है। वहीं आज पीएम मोदी जलपाईगुड़ी में भी रैली करने वाले हैं। बंगाल में हुए हाल के घटनाक्रम को लेकर वो ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साध सकते हैं। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की एक रैली को पीएम ने संबोधित किया था और ममता सरकार पर निशाना साधा था। जलपाईगुड़ी सीट पर बीजेपी और टीएमसी दोनों की जोरदार टक्कर है। आपको बताते हैं ऐसा क्यों। देखिए, पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी सीट कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 2014 में वहां टीएमसी ने अपना झंडा गाड़ दिया, लेकिन टीएमसी ज्यादा वक्त तक जलपाईगुड़ी सीट पर अपना कब्जा नहीं रख पाई और पिछले चुनाव में बीजेपी को वहां जीत हासिल हुई, और अब बीजेपी के सामने अपनी सीट बचाने का लक्ष्य है।